वॉट इज टैंडम ब्रेस्ट फीडिंग? सो ब्रेस्ट फीडिंग बोथ द बेबीज, द एल्डर वन एंड द यंगर वन एट द सेम टाइम इज कॉल्ड टैंडम ब्रेस्ट फीडिंग. फॉर सपोज एक सिनेरियो है, एक लेडी है जिसको एक 2 या 3 साल का बेबी है. अगेन शी कंसीव्स फास्ट, शी डिलीवर्स अगेन. सो जस्ट न्यू बॉर्न है एंड एक 2-3 साल का बेबी है. वो 2-3 साल का बेबी भी ब्रेस्ट फीड करते हैं और न्यू बॉर्न बेबी भी है, तो क्या करना चाहिए? ऑफकोर्स आप ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग बंद करने का जरूरत नहीं है. इसको ही हम टैंडम ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं. ऐसा करने से बेबीज को कुछ भी तकलीफ नहीं होगा. आपको पता है बेबी का रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपका ब्रेस्ट ब्रेस्ट मिल्क जनरेट करते हैं. सपोज बॉडी विल डिटेक्ट न्यूबॉर्न को ब्रेस्ट फीड करते समय न्यूबॉर्न बेबी को जो न्यूट्रिएंट चाहिए उतना ही आएगा वो मिल्क में. व्हेन द मदर इज फीडिंग दैट बिगर वन टॉडलर, तो उसके अकॉर्डिंगली ब्रेस्ट मिल्क जनरेट होते हैं. एंड ऐसा करने से वो टॉडलर बेबी को या मदर को या न्यूबॉर्न को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है. बट ऑफ कोर्स मदर को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज नहीं होने के लिए उनका डाइट, प्रोटीन इंटेक एंड कैल्शियम इंटेक अच्छा रहना चाहिए. एज द टॉडलर स्टार्ट्स वीनिंग उनको ऊपर का फीड्स अच्छे से दे सकते, ग्रेजुअली ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर सकते हैं.